नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवेश। आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोजेक्ट और आइए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अपना डैशबोर्ड जो है वो तैयार किया था कुछ इस तरह से। इसके लिए हमें स्टाइल देनी थी कि इसका कलर वगैरह जो है वो चेंज करना था, कुछ और खूबसूरत बनाना था इसे। तो उसके लिए जो भी स्टाइल थी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आइए आपको समझाते हैं कि क्या क्या है। एक जो ह्यूज है, ह्यूज डॉट क्लास मैंने यहाँ पर बना रखी थी ना, ये आपको मैं दिखा दूँ अगर तो। यहाँ पे अगर आप जाएंगे सबसे ऊपर ही चलते हैं ना, तो वहाँ से देखने में आसानी होगी। एक क्लास बनी थी ना जिसमें हमने ये नंबर्स लिख रखे थे, ये है ठीक है ना, ये ह्यूज क्लास है। तो इसको मैंने यहाँ पे स्टाइल दे रखा है स्टाइल डॉट सी एस एस में। इसका फॉन्ट साइज 40 पिक्सल किया और लाइन हाइट इसकी नॉर्मल कर दी, ठीक है, ये आप लिख लीजिए यहाँ से, ओके। उसके बाद फिर पैनल ग्रीन ये जो मैंने दिया यहाँ पे, जिस भी बॉक्स का पैनल मैंने ग्रीन किया, इस वाले बॉक्स का ठीक है, पैनल ग्रीन किया है इसका, तो इसको भी मैंने यहाँ पे स्टाइल दी। और इस पैनल ग्रीन के साथ पैनल हेडिंग एक थी उसको भी मैंने स्टाइलाइज किया, कलर कर दिया इसका इस तरह से, और बैकग्राउंड कलर इसका ये कर दिया है, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे पैनल ग्रीन है, एक क्लास हमने वहां पे बना रखी थी ना इस डैशबोर्ड में, ये ठीक है। अब इस पैनल ग्रीन को मैंने कलर ये दे रखा है ग्रीन, ठीक है। इसकी जो एंकर है टैग यानी ए है, जो एंकर टैग है उसको, ठीक है, इस तरह से कलर दे रखा है। और उसके बाद में फिर है पैनल रेड, और उसके बाद इसी के साथ जैसे ये है पैनल हेडिंग, इन दोनों की बात यहाँ पे की जा रही है, इनको भी मैंने ये कलर दिया, बैकग्राउंड कलर ये दे रखा है, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको करने के बाद में फिर पैनल रेड पर हम आए हैं, पैनल रेड भी इसमें बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, सर्च अगर मैं करता हूँ पैनल रेड, तो ये देखिए ये है पैनल रेड, ये क्लास है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर स्टाइलाइज कर रहे हैं पैनल रेड, इसको भी मैंने ये कलर दे रखा है, और इसके जो एंकर टैग हैं वो भी। यहाँ पे पैनल येलो है, ठीक है, पैनल येलो भी यहाँ पे हमने बना रखा है इस तरह से, इसको भी मैंने स्टाइलाइज किया इसकी हेडिंग के साथ, कलर और बैकग्राउंड। फिर पैनल येलो, इसका जो एंकर टैग है उसको मैंने स्टाइलाइज किया, ठीक है। इतना करने के बाद ही कंप्लीट हो गया है। अब मैंने एक बार यहाँ से फिर से देखिए, कस्टम मैंने कोट करके इसको लिख दिया है, और ये ह्यूज के लिए हो गया, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए पूरा, यदि आप ये फाइल पूरी डाउनलोड करना चाहते हैं हमारी इस प्रोजेक्ट की जिसपे हम काम कर रहे हैं, तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपके डाउनलोड सेक्शन में मैं डेली की डेली जो भी फाइल बनती है उनको अपलोड करता जाता हूं, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का अगर सपोर्ट चाहिए तो वहां पर हमारे सपोर्ट का टाइमिंग भी आपको मिल जाएगा, स्काइप आईडी मिल जाएगी। एक्चुअली मैं अगर आप लोगों का व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा मैसेज आता है मेरा, बट मैं ज़्यादातर व्हाट्सएप पर अवेलेबल नहीं होता, हमारे जो असिस्टेंट हैं व्हाट्सएप पर रहते हैं। हाँ, आपको जो रिप्लाई मिलता है आप उनसे बात कर लिया करिए, हो सकता है कभी कभी मैं भी होता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं होता हूँ, लेकिन अधिकतर हमारे असिस्टेंट ही रहते हैं, तो मैं ज़्यादातर स्काइप पर रहता हूँ। तो यहाँ से आप जब लेंगे वो, तो स्काइप की आईडी जो है हमारी वो आपको उस डाउनलोड सेक्शन में पूरी लिंक मिल जाएगी, फिर वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं स्काइप पर, और वहाँ पर हम लोग बात करते हैं। और टाइमिंग हमारा क्या रहेगा वो आपको सब डाउनलोड सेक्शन में वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो।